ने ली अहम बैठक। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बैठक ली है और यहाँ पे जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक ली है। काउंटिंग को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। तो देखिए, काउंटिंग वाले दिन एक नियमों को बना के रखना एक बड़ा चैलेंज रहता है। कलेक्टर्स और जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक की है। शब्बीर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। शब्बीर, अब काउंटिंग को लेकर तैयारियां तेज हुई है और इसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से बाकायदा बैठक और क्या दिशा निर्देश यहां पे अधिकारियों को दी गई है? बिल्कुल दीपिका, बात की जाए 3 तारीख को रिजल्ट आना और उसको लेकर लगभग ये कह सकते हैं कि तैयारियां इलेक्शन कमीशन की तरफ से पूरी कर ली गई है। जहां तक कल की बैठक की बात की जाए, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से ली गई है, अनुपम राजन ने ली है, जो मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं, और उनकी तरफ से कलेक्टर और इसके साथ साथ जिन पदाधिकारियों को, जिन अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है चुनाव की, उनके साथ बैठक ली और बैठक के अंदर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं। जिसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात की जाए तो चुनाव के दरमियान, यानी वोटिंग के दरमियान, वोटिंग की गिनती के दरमियान किन बातों का ध्यान में रखते हुए किस किस को अंदर परमिशन दी जाए, क्या क्या वहाँ पर सुरक्षा के बंदोबस्त किए जाए, कितनी पुलिस फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी, क्या कुछ सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कदम उठाए जाए, इन तमाम चीज़ों को लेकर कल इलेक्शन कमीशन की तरफ से बैठक ली गई थी। और जिसके अंदर बताया जा रहा है कि 3 तारीख को किसी तरीके का कोई भी दिक्कत या कोई भी वहाँ पर, क्योंकि कई जो है प्रत्याशी हैं दीपिका, वो ये सवाल उठा रहे थे कि हर एक पोलिंग बूथ का अगर परिणाम आ जाता है तो उसके बाद सर्टिफिकेट जारी की जाए। इसके अलावा भी कई प्रत्याशियों की तरफ से मांग की जा रही है कि ये नियमों को फॉलो किया जाए। तो उन तमाम चीज़ों को लेकर कल इलेक्शन कमीशन की तरफ से बैठक ली गई। अब देखना होगा जो प्रत्याशियों की तरफ से मांग की जा रही है उसको पूरा करता है कि नहीं करता इलेक्शन कमीशन। लेकिन इन सबके बीच कल की बैठक की बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण यही था कि अगर कोई भी गड़बड़ी उस वक्त होती है तो क्या कुछ चीज़ों का पालन, नियमों का पालन किया जाए, और कोई अगर गड़बड़ी अगर पाई भी जाती है तो किस तरीके से उसको ठीक किया जाए। और पूरी कोशिश इलेक्शन कमीशन की यह है कि जिस तरीके से सुचारू रूप से वोटिंग हुई उसी तरीके से वोटों की गिनती भी हो जाए और शांतिपूर्वक पूरा चुनाव निपट जाए, यही इलेक्शन कमीशन की कोशिश है और उसी में इलेक्शन कमीशन इस वक्त जुटा हुआ है। दीपिका बिल्कुल शब्बीर, हम हालांकि अभी से देख रहे हैं कि स्ट्रांग रूम के बाहर जिस तरीके से प्रत्याशियों के समर्थकों की भीड़ रहती है और ऐसे में एक बड़ा चैलेंज रहेगा क्योंकि सबके जहन में कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल है, खासतौर पर प्रत्याशी। बिल्कुल दीपिका, यही इसी को लेकर हम बात की जाए, जो भोपाल में पुराने जेल में स्ट्रांग रूम बनाया गया है और वहाँ की भी बात की जाए तो पहले से ही फैसला ले लिया गया है कि इस वक्त की बात की जाए तो इस वक्त भी अब वहाँ पर जहाँ पर स्ट्रांग रूम बनाया गया उसके ग्राउंड में ही किसी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा। अंदर तो छोड़ दीजिए, उसके करीब 100 मीटर के दायरे में भी अगर किसी को आना है तो बगैर इजाजत परमिशन के वहां पर जो सुरक्षा के गार्ड लगे हुए उनके बगैर नहीं आने दिया जा रहा। हम देखते हैं कि जिस वक्त रिजल्ट आता है या वोटों की गिनती होती है तो उस वक्त बड़ा हुजूम वहां पर स्ट्रांग रूम के बाहर जहां पर मतगणना होती है वहां पर जमा हो जाता। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए कई तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं और आने वाले समय में हम देखेंगे 1 सप्ताह के अंदर और भी फैसले लिए जाएंगे। पूरी कोशिश है कि मतगणना शांतिपूर्वक हो और निष्पक्ष पूरी तरीके से चुनाव हो और यही कोशिश में इलेक्शन कमीशन बिल्कुल कोशिश जरूर रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज रहने वाला है। फिलहाल शब्बीर आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं भोपाल शहर, जहां पे चुनाव में पार्टी को डैमेज करने वालों पर कांग्रेस कार्रवाई करेगी। भीतरघातियों की शिकायत पहुंची है भोपाल और प्रदेश कांग्रेस ने सभी उम्मीदवारों और जिला इकाइयों से रिपोर्ट मांगी है। भोपाल मुरैना झाबुआ रतलाम सहित कुछ जिलों से लगातार शिकायतें मिल रही थी। टीकमगढ़ में यहां पे जिला संगठन मंत्री को पद मुक्त किया जा चुका है। शाजापुर के जिला अध्यक्ष को बाहर का रास्ता पहले से ही कांग्रेस दिखा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद ये शिकायतें थम नहीं रही है। पार्टी प्रत्याशी के विरोध में यहाँ पे पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता कहीं ना कहीं सामने निकल कर सामने आ रही है। ऐसे में एक बार फिर से पार्टी आला कमान की तरफ से बड़ा एक्शन लिया जाएगा। शब्बीर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शब्बीर, पार्टी को डैमेज करने वालों पर कार्रवाई कांग्रेस करेगी, हालांकि पहले से भी करती आई है, लगता है इस बार कुछ बड़ा एक्शन लेगी।
जाए तो कांग्रेस ने जैसे ही वोटिंग हुई उसके बाद दो बड़े एक्शन ले चुकी है। एक शाजापुर में लिया गया है, वहां के जो योगेंद्र सिंह बंटी बनाते उनको नोटिस दिया गया, उनको पद से हटाया गया। इसके अलावा टीकमगढ़ में भी कार्रवाई की गई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जहां जहां से रिपोर्ट आई है कि यहां पर भीतरघात हुआ है, जो प्रत्याशियों की तरफ से शिकायत की गई है, उनके समर्थकों की शिकायत की गई, उनके समर्थकों की तरफ से शिकायत की गई है पीसीसी को, यह काफी चिंता बढ़ा रहा है। क्योंकि दो तीन जगहों पर जहां पर चीजें निकल कर सामने आई है, यह कांग्रेस की चिंता बढ़ा रहा है। क्योंकि हम जावरा की बात करें तो वहां पर एक बागी खड़े हुए थे, वो पार्टी का खेल वहां पर बिगाड़ते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे ही आलोट में था, गोटे गांव में था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भोपाल के दक्षिण पश्चिम मुरैना और इसके अलावा हम बात करें झाबुआ, ये तीन ऐसी सीटें जहां पर कांग्रेस को कोई भी बागी नेता नहीं खड़ा था, उसके बावजूद भी वहां के प्रत्याशियों की तरफ से शिकायत पीसीसी पहुंची। यानी पार्टी के अंदर रहते हुए खुले तौर पर तो किसी ने बगावत नहीं करी, लेकिन पार्टी में रहते हुए भीतरघात किया है, ये कांग्रेस के प्रत्याशियों का आरोप है। और इसी के बाद पीसीसी को ये जानकारी मिली है। अब देखना यह होगा कि पीसीसी की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाती, लेकिन अभी तक की बात की जाए तो काफी सख्त रुख अपनाया है पीसीसी ने। जहां जहां से शिकायत मिली वहां तत्काल कार्रवाई की गई है, लेकिन चिंताएं कांग्रेस की बढ़ रही है। अगर इसी तरीके से शिकायत और भीतरघात अगर होता है, क्योंकि भोपाल के दक्षिण पश्चिम सीट की बात की जाए तो यहां पर यह माना जा रहा है कि पूर्व पार्षद और मौजूदा पार्षद, मौजूदा कांग्रेस के जो विधायक थे उससे नाराज थे, और इसी को लेकर बताया जा रहा है कि मौजूदा विधायक के समर्थकों और मौजूदा विधायक ने कांग्रेस को शिकायत करी, मध्य प्रदेश कांग्रेस यानी पीसीसी को शिकायत करी। अब देखना होगा उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती। मुरैना की बात की जाए तो मुरैना में दिनेश गुज्जर जो किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष, उनको टिकट दिया गया था, उनकी राजनीति जो है भोपाल ज्यादा रही है, तो इससे वहां का जो संगठन था, लोकल संगठन था, राकेश मवाई जो मौजूदा वहां से विधायक है, जिनका टिकट काटकर दिनेश गुज्जर को दिया गया था, तो राकेश मवाई के बारे में बताया जा रहा है कि शिकायत की गई है मध्य प्रदेश कांग्रेस को की तरफ को बात की जाए दिनेश गुज्जर के समर्थकों की तरफ से। तो ये अलग अलग चीजें निकल कर सामने आ रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि झाबुआ में आखिर किसने कांग्रेस के अंदर भीतरघात किया, क्योंकि वहां पर जेवीआर मीणा पूर्व विधायक थे, वो वहां से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन पार्टी ने उनको मनाया, वो वापस बैठ गए, क्या उनकी शिकायत की गई है? ये चीजें निकल कर साफ नहीं हो पाया कि आखिर शिकायत किसकी की गई, लेकिन जो ऊपरी तौर पर दिख रहा है वो कई नेताओं को पहले से ही लग रहा था कि इन ये नेता पार्टी में रहते हुए पार्टी के खिलाफ काम करेंगे, और उन्हीं की शिकायत शायद से प्रदेश कांग्रेस दफ्तर पहुंची है।